देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज. सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट हॉट एंड हैपनिंग गॉसिप्स ऑफ बॉलीवुड. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस. बी अलर्ट कैटरीना कैफ, करीना बन सकती है आपके लिए खतरा. युवराज और अर्पिता के लिंकअप की खबर पर यूवी की मां ने दी सफाई, कहा अर्पिता को सिस्टर मानते हैं युवराज. बॉडीगार्ड की रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस से शाहरुख को हुई टेंशन, रावण के प्रमोशन के लिए लिया माइकल शूमैकर का सहारा. मलिका शरावत की पिक्चर से फिर मचा बी टाउन में शोर, क्या फिल्म प्रमोशन के लिए मलिका ने खुद लीक की पिक्चर्स. फिल्म सिंघम की सीधी साधी हीरोइन काजल क्यों हो गई टॉपलेस. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज कर रहा है कैटरीना कैफ को अलर्ट, क्योंकि कैट को है करीना से खतरा. तीन खान के साथ काम करके करीना कर सकती है नंबर वन की कुर्सी पर कब्जा. वॉच आर टॉप स्टोरी. करीना कपूर बन गई है हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, पर क्या ये कामयाबी है सिर्फ करीना की? अगर उनके पिछले हिट हुई फिल्मों के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें, तो शायद इस कामयाबी का क्रेडिट पूरी तरह से करीना को देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. यूं तो खबरें हैं कि कैटरीना कैफ को है करीना कपूर से खतरा. करीना छीन सकती है कैटरीना से नंबर वन हीरोइन का टाइटल भी. यूं तो लगातार तीन हिट देने के बाद करीना बन चुकी है इंडस्ट्री की हाईली पेड एक्ट्रेस. उन्होंने कर दिया है कैटरीना को भी पीछे. दरअसल बात यह है कि लगातार तीन हिट देने के बाद करीना को ऑफर हुई है अब तक की सबसे ज्यादा रकम. खबर है कि फिल्म हीरोइन के लिए करीना को करीब 10 करोड़ मिलने वाले हैं, जो पहले किसी एक्ट्रेस को नहीं मिले हैं. करीना पिछले 3 साल से दे रही हैं हिट फिल्में और उनकी हर फिल्म कर रही है जबरदस्त बिजनेस भी. बट कहीं ना कहीं इन हिट फिल्मों के पीछे था किसी न किसी खान का हाथ. 2009 में थ्री इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए. थ्री इडियट्स का ओपनिंग कलेक्शन ही लगभग 20 करोड़ था, लेकिन यहाँ करीना को साथ मिला आमिर का. 2010 में बेबो ने गोलमाल 3 से एक बार फिर धमाका किया. दिवाली पर रिलीज हुई इस फिल्म ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया. करीना का फिल्म में कुछ खास रोल तो नहीं था, गोलमाल फ्रेंचाइजी के नाम पर इस फिल्म ने कर लिया अच्छा खासा बिजनेस. 2011 में बॉडीगार्ड ने करीना को फिर से एक हिट दिलाई. वजह, सलमान खान का दम. यानी फिल्में तो हिट हुई, लेकिन रीजन रहे फिल्म्स के हीरो या फिर कुछ और. और कहीं ना कहीं यही वजह है कि करीना बन गई है इंडस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव हीरोइन. वैसे करीना हमेशा ही कहती हैं कि वो नंबर गेम में बिलीव नहीं करती. I don't know, I just don't believe in numbers. I'm happy to be number 10, I mean, or 20. It's just, it doesn't matter. What matters is that I enjoy doing what I enjoy doing. लगता है करीना का इस बात पर बिलीव ना करने का रीजन भी यही है कि जब उन्हें हर एक खान का साथ मिल ही जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर वन हो जाती हैं. एंड एज अ रिजल्ट हर प्रोफेशनल फीस हाइक्स अप. इसी तरह अपनी हिट फिल्मों के बदौलत करीना को काफी सारे एंडोर्समेंट्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो बखूबी फ्लॉन्ट करती हैं. Today I have 14 brands. Every day I've been shooting 22 hours a day, whether it's for Bodyguard, Ravan, ads, this, that. Then I've signed on Lakme, now I've signed on Alpenlibe from Kajol. Well, करीना, आपका इस तरह बिजी होना विद सो मेनी फिल्म्स एंड एड्स, ऊपर से आपकी बढ़ती हुई प्रोफेशनल फीस, ये सब सच तो है. पर इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इन सब के पीछे टू एन एक्सटेंट हाथ है आपके ही कोस्टार्स का. करीना कैटरीना की जगह लेना चाहती हैं, लेकिन कैट इतनी केयरफ्री घूम रही हैं कि ऋतिक के साथ अपनी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर गई, लेकिन वहां फिल्म का नाम ही भूल गई. यकीन ना हो तो खुद ही देख लीजिए. क्या आपको इस बात पर यकीन होगा कि जिस फिल्म में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ काम कर रहे हैं, उन्हें उस फिल्म का सही नाम ही नहीं पता है? नहीं ना, मगर ये सच है. जी हाँ, अपनी फिल्म मैं कृष्णा हूँ के ऑडियो रिलीज पर ये दोनों एक्टर्स आए, मगर उन्हें तो अपनी फिल्म का सही नाम भी नहीं पता था. ओह नो, आप दोनों इतने केयरलेस कैसे हो गए? कहीं इसका रीजन ये तो नहीं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स उन ए लिस्टर्स में से नहीं है? वेल यस, इस फिल्म के प्रोड्यूसर रह चुके हैं ऋतिक के स्पॉट बॉय और कैटरीना की हेयर ड्रेसर. अब भाई, ये कोई बड़ा नाम तो था नहीं, तो फिल्म का नाम कैसे याद रहेगा इन दोनों बड़े एक्टर्स को? वेल, इस इवेंट पर ये दोनों ही एक्टर लेट आए. साथ ही ये दोनों इतने इमोशंस में बह गए कि ऋतिक ने तो ये भी बता दिया कि किस तरह से वो अपने ही स्पॉट बॉय यानी फिल्म के प्रोड्यूसर की मालिश किया करते थे. मुझे याद है कि when my knees were bad and my knees used to hurt, Nandan used to massage my knees and massage my feet and put me to sleep.
And then I remember, एक ऐसा भी दिन था when his back was very very bad. So I massaged his back, I massaged his feet, and I put him to sleep. वहीं ऋतिक की देखा देखी कटरीना भी हो गई इमोशनल और उन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं भी बताऊं कोई फनी इंसिडेंस अपनी हेयर ड्रेसर के बारे में। And she came and she picked up my hair. Hey, Patli Bar. And I hated her from that day. I said, I will not work with her. And then obviously she did come on. And since that day, she has always very silently, but quietly, looked out for me on the film sets. ये सब तो ठीक है मगर कितना अच्छा होता अगर आप दोनों को इस फिल्म का नाम भी पता होता। चलिए कोई बात नहीं, हम तो यही विश करेंगे कि आपकी ये गेस्ट अपीयरेंस वाली फिल्म भी हिट हो जाए। वैसे भी आजकल आप दोनों साथ साथ कुछ ज्यादा ही अपीयरेंसेस करते हैं, लगता है अपनी जोड़ी की सक्सेस का नशा इन पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। अब बात सलमान खान की सिस्टर अर्पिता की, जिनका नाम आजकल क्रिकेटर यूवी के साथ जुड़ रहा है। लेकिन अब युवराज की मम्मी ने लगा दिया है इस खबर पर ब्रेक। यूवी की मम्मी ने कहा है कि अर्पिता इज लाइक अ सिस्टर टू युवराज। युवराज सिंह और सलमान खान की सिस्टर अर्पिता के लिंकअप की खबर ने युवराज की मॉम को काफी अपसेट कर दिया है और इस बार युवराज या अर्पिता नहीं बल्कि यूवी की मॉम खुद ले आई है अपने बेटे के लिए क्लैरिफिकेशन वारंट। जी हाँ, और उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ये सब रूमर्स हैं और ये न्यूज है पूरी तरह से बेसलेस। इस लिंकअप की खबर सुनकर यूवी की माँ ने क्या कहा आप भी सुनिए। He is a sportsman and Arpita is just a kid and Yuvraj has known her for a very long time. Yuvraj and Salman are very close. He's like an elder brother to Yuvi and my son treats Arpita the same way Salman treats her. तो यूवी की मॉम ने ये भी बताया कि यूवी को सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है और किसी बात में नहीं। All this is nonsense. It is utter rubbish. His passion is just to play for the country and he is focusing on that. यूवी अर्पिता को सिस्टर की तरह प्यार करते हैं, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन यूवी को लड़कियों में नहीं बल्कि केवल खेल में इंटरेस्ट है, ये बात कुछ हजम नहीं होती। Anyway, वैसे हम आपको बता दें कि अर्पिता के बिग ब्रदर सलमान भी यूवी और अर्पिता को अच्छा फ्रेंड ही बता चुके हैं। इन रूमर्स पर यूवी ने तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन लगता है अपने बेटे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का काम अब मम्मी जी कर रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये न्यूज खाली रूमर है? वाह मामा, सही जा रही हैं आप। इसी के साथ आपके बेटे को भी थोड़ी नसीहत दे दीजिए कि वो लड़कियों के आगे पीछे घूमना थोड़ा बंद कर दें, ये सब न्यूज अपने आप बंद हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं शाहिद और सोनम की, जिनका मौसम चल रहा है खराब। अब आप ही देखिए दोनों कितनी मेहनत से फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक गाय ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। शाहिद सोनम और गाय का क्या है कनेक्शन, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मौसम का मौसम फिर से बिगड़ गया है। शूटिंग के दौरान दिक्कतों से जूझने के बाद मौसम अब रिलीज के लिए तैयार है, तो इस बार फिर से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं उस पर। इस बार गाज गिरी है सेंसर बोर्ड से। सुनने में आया है कि सेंसर बोर्ड ने मौसम के एक प्रोमो को रुकवा दिया है। इस प्रोमो में एक गाय का शॉट है और सेंसर बोर्ड अड़ गया है कि जब तक मौसम के मेकर्स एनिमल वेलफेयर बोर्ड से NOC नहीं लाते तब तक प्रोमो को क्लियर नहीं किया जाएगा। हालांकि सूत्रों की माने तो इस प्रोमो में गाय के साथ जरा भी मिसट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड को है एतराज। वैसे बता दें कि इस फिल्म में सोनम और शाहिद के किस सीन को लेकर भी काफी बातें हुई थी, जिसकी वजह से सोनम और शाहिद ने अपना आपा भी खो दिया था एक इवेंट पर। लेकिन लगता है सेंसर बोर्ड का ध्यान उन सब सीन से हटकर बेचारी इस गाय पर चला गया है, और जाए भी क्यों ना, दिल्ली वैली की इतनी सारी रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद शायद सेंसर बोर्ड अडल्ट कॉन्टेंट से ज्यादा पैनी नजर रखती है रिलीजियस कंटेंट पर। इंडस्ट्री से गायब हो चुकी मलिका शेरावत एक बार फिर से न्यूज में आ गई है। दरअसल मलिका की हॉलीवुड फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव के कुछ हॉट पिक्चर्स लीक हो गए हैं इंटरनेट पर, जिसने मलिका को फिर से बना दिया है टॉक ऑफ द टाउन।
स्टीमी, हॉट एंड ग्लैमरस, कुछ ऐसे ही शब्द निकले होंगे आपकी जुबान से जब आपने मलिका शेरावत की ये तस्वीरें देखी होंगी। मलिका इन तस्वीरों में एक कार वॉश कर रही हैं। ये है मलिका की लेटेस्ट हॉलीवुड वेंचर पॉलिटिक्स ऑफ लव के कुछ स्टिल्स, इन विच दिस एक्ट्रेस इज सीन सीड्यूसिंग हर को-स्टार ब्रायन व्हाइट। वेल, हम आपको बता दें कि फिल्म का ये हॉट सीन शूट हुआ था 2 साल पहले, लेकिन इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें लीक होने से मलिका शेरावत एक बार फिर खबरों में आ गई हैं। मलिका की ये फिल्म बेस्ड है US प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कैंपेनिंग डेज पर, जहां मलिका शेरावत प्ले कर रही हैं अरीठा गुप्ता का कैरेक्टर, हु इज अ डिवोटेड लोकल ओबामा वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर। द फिल्म इज अ रोमांटिक कॉमेडी। वी होप कि मलिका शेरावत का ये अटेम्प्ट हो जाए पास और उनकी इस फिल्म को मिले इससे बेटर रिस्पॉन्स। फिल्म सिंघम की सीधी साधी सी हीरोइन काजल अग्रवाल हो गई है टॉपलेस। एक मैगजीन के कवर के लिए काजल ने दे दिया टॉपलेस पोज। कहीं ये काजल का सक्सेस के लिए शॉर्टकट तो नहीं? क्यों लिया काजल ने ये बोल्ड स्टेप? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कॉटन क्लिक्ड, काजल अग्रवाल गोज टॉपलेस फॉर अ मैगजीन कवर। बॉलीवुड में सिंघम के साथ अपना डेब्यू करने वाली काजल हो गई है इतनी बोल्ड कि जो स्टेप एक हीरोइन अपने कुछ सालों के करियर के बाद उठाती है, वो स्टेप काजल ने उठा लिया है आफ्टर जस्ट वन फिल्म। दिस डेम हैज पोस्ट टॉपलेस फॉर अ मैगजीन कवर। काजल ने सिंघम में निभाया था एक ट्रेडिशनल सिंपल गर्ल का किरदार, मगर इस कवर में वो दिख रही है टोटली ऑपोजिट टू दैट। अब ये स्टेप काजल ने बॉलीवुड की सक्सेस लैडर को जल्द से जल्द चढ़ने के लिए उठाया है या फिर दिस डेम लाइक्स गेटिंग बोल्ड, ये तो काजल ही जाने। बट यस, इनका ये अवतार देखकर शायद बोल्ड सिनेमा बनाने वाले फिल्म मेकर्स काजल को कंसिडर करना चाहें। बैंड बाजा बारात से हिट हुए रणवीर सिंह आजकल बोल्ड स्टेटमेंट्स देने में पीछे नहीं है। रणवीर ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें फिल्म में न्यूड सीन्स देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब कहा और क्यों दिया रणवीर ने ये बोल्ड स्टेटमेंट? हियर इज द होल स्टोरी। रणवीर सिंह ने रिसेंटली एक मैगजीन को दिया एक बोल्ड कन्फेशन। कन्फेशन ये कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूड सीन्स करने में। शायद आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, बट यस, द बॉलीवुड हंक हैज कन्फेस्ड दैट ही इज कंफर्टेबल विद सच अ रोल। I have no problems going nude on screen. In fact, given my lack of inhibitions, it'll be very easy for whoever is directing a nude scene with me because I am quite an exhibitionist in real life too. Itna bada confession shayad hi kisi actor ne kiya hoga. Well, Ranveer, ye to sabhi jante hain ki aap ek naughty boy ho, but itne naughty ye to hum bhi nahi jante the. Itna hi nahi, magazine ke ek interview mein unhone ye bhi confess kiya ki unhe casting couch bhi offer hua tha. Yani ki ab tak Bollywood actresses targeted thi for the casting couch, par ab actors bhi. Ye to हमें आपसे ही पता चला है। वेल, साथ साथ रणवीर ने ये भी कह दिया कि उनके साथ नूड सीन्स करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ही इज एन एग्जिबिशनिस्ट इन रियल लाइफ टू। तभी शायद अपनी फर्स्ट फिल्म में ही आपने इतने बोल्डली अनुष्का के साथ दे दिया एन इंटिमेट किसिंग सीन। वेल, जब अनुष्का की बात छिड़ी गई है तो ये बात भी पूछ ली जाए कि आखिर फिर से उन्हें अपनी बैंड बाजा बारात टीम के साथ काम करने में डर नहीं लग रहा? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएगी? इस पर तो रणवीर ने कह दिया कि वो प्रीटी श्योर है कि उनकी फिल्म काफी डिफरेंट है अपनी फर्स्ट फिल्म से और वो लग रहे थे काफी कॉन्फिडेंट फॉर दिस फिल्म। रणवीर ने अपनी इच्छा भी बता दी कि अगर उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो वो बॉलीवुड के कैसानोवा, हमारा मतलब रणबीर कपूर, बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय इमरान खान और शाय गाय अभय देओल के साथ काम करना पसंद करेंगे। जब रणवीर से पूछा गया कि वो सोनाक्षी के साथ कैसी फिल्म करना पसंद करेंगे तो उन्होंने कह दिया कि वो उनके साथ एक देसी फिल्म करना चाहते हैं और ये भी कह दिया दैट दे बोथ लुक गुड टुगेदर। अब इससे क्या इशारा है सोनाक्षी के लिए, ये तो बेहतर वही जानती है। रणबीर कपूर और अभिषेक बच्चन दोनों आजकल एक बात के लिए काफी अपसेट हैं। दोनों का एक कॉमन ड्रीम पूरा होते होते रह गया। क्या था रणबीर और अभिषेक का वो सपना, चलिए हम बताते हैं। लगता है द ग्रेट फुटबॉल सेंसेशन मेसी को खेलते देखना काफी बॉलीवुड हीरोज का सपना तो है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा। रणबीर कपूर के साथ साथ अब अभिषेक बच्चन भी नहीं देख पाएंगे मेसी को खेलते हुए, सिंस ही इज आल्सो बिजी विद हिज शूटिंग। एक्टिंग के अलावा लेडी चार्मर रणबीर कपूर को है फुटबॉल से बहुत प्यार, इसलिए जब रणबीर ने सुना कि द ग्रेट फुटबॉलर मेसी कोलकाता आने वाले हैं, उन्होंने भी ठान ली और ऑर्गेनाइजर्स को प्रॉमिस कर दिया कि वो भी वहां पहुंच ही जाएंगे। मगर लगता है कि रणबीर और मेसी को साथ देखना कोलकाता वालों की किस्मत में नहीं है,
दे विल हैव टू गिव दिस डबल ट्रीट अ मिस, क्योंकि अब रणबीर नहीं जा पाएंगे कोलकाता बिकॉज ऑफ हिज वर्क कमिटमेंट्स। अब उन्होंने वादा तो कर दिया मगर अब उनके प्लान्स चेंज हो गए हैं। अपनी मूवी बर्फी के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो शूटिंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और इसी शूटिंग की वजह से उन्होंने अपने फुटबॉल और मेसी प्लान्स को कर दिया कैंसिल। एंड सेम गोज फॉर अभिषेक एज वेल, हु इज ऑल्सो बिजी शूटिंग। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे विद्या बालन ने किसके साथ मिलकर खरीदा मुंबई में घर। लगता है विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तभी तो दोनों ने साथ मिलकर खरीद लिया है बांद्रा में एक फ्लैट। लेकिन क्या उस फ्लैट में दोनों साथ रहेंगे? वेल, इस पर तो अभी कुछ ना कहना ही अच्छा रहेगा। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर के लिंकअप ने हमेशा से ही मीडिया में न्यूज बनाई है। रिसेंटली ये न्यूज आई थी कि विद्या और सिद्धार्थ ने चुपके से कर ली है शादी, और अब ये न्यूज आई है कि विद्या और सिद्धार्थ ने मुंबई के बांद्रा एरिया में खरीद ली है एक प्रॉपर्टी। वेल, हमें ये न्यूज जूम के इनसाइडर्स ने बताई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, खैर ये तो विद्या और सिद्धार्थ ही बेहतर जानते होंगे। वेल, बीच में ये भी न्यूज आई थी कि सिद्धार्थ है काफी अपसेट विद विद्याज इंटीमेट सीन्स इन डर्टी पिक्चर विद इमरान हाशमी, और शायद इसी पोजेसिवनेस के कारण लगता है कि उन्होंने आखिर फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब इट्स टाइम टू सेटल डाउन विद विद्या। जी हाँ, हमारा मतलब है कि आखिर ये घर की प्लानिंग कहीं इन दोनों की शादी की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है। वेल, इस न्यूज की और डिटेल के लिए हमें भी इंतजार है, पर क्या विद्या अपने इस सक्सेसफुल करियर के बाद इतने जल्दी सेटल होना पसंद करेंगी? दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू नो। क्यों विद्या, क्या कहना है आपका? रिपोर्टेडली माधुरी दीक्षित मुंबई में एक रेसिडेंस की तलाश में हैं। तो क्या माधुरी ने कर लिया है इरादा फाइनली मुंबई में सेटल होने का, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। माधुरी अब परमानेंटली शिफ्ट हो रही हैं इंडिया में। जी हाँ, खबरों की माने तो द धक धक गर्ल इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई। वेल, पिछले कुछ महीनों से माधुरी का अक्सर आना हुआ है मुंबई में, फिर चाहे वो उनके रियलिटी शोज के लिए हो या एड शूट्स के लिए। इतना ही नहीं, न्यूज तो ये भी आई थी कि दिस दीवा विल सून मेक अ कमबैक विद अ फिल्म। अब ये कौन सी फिल्म का प्रोजेक्ट है, क्या है, किस प्रोडक्शन के अंदर है, ये तो हम नहीं जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज ये खबर मिली है कि आजकल माधुरी अलॉन्ग विद हर मैनेजर रिकू राकेश नाथ वेंट फॉर स्कूल हंटिंग फॉर हर किड्स। जी हाँ, और हमारे सोर्सेज ने हमें ये भी रिवील किया है कि वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को कोई अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल जाए, और इसीलिए उन्होंने रिसेंटली एक स्कूल भी विजिट किया था टू चेक द मैनेजमेंट फैसिलिटीज देयर। वेल, बीच में ये भी न्यूज आई थी कि माधुरी विल सून टर्न अ बिजनेस वुमन आल्सो, और इसीलिए उन्होंने अपने इस बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बनाना भी शुरू कर दिया है, और अब ऑल ऑफ अ सडन सेटलिंग इन मुंबई इज नॉट अ बैड आइडिया माधुरी। और हम सब यही चाहते हैं कि आप हम सब के साथ रहें और अभी भी अपनी धक धक अदाओं से हमें एंटरटेन करती रहें। फिलहाल हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में बाकी है बहुत कुछ, सो स्टे विद अस। बॉडीगार्ड की सक्सेस से सलमान जितने खुश हैं, शाहरुख उतनी ही टेंशन में हैं। अब शाहरुख अपनी फिल्म रावण को बॉडीगार्ड से ज्यादा हिट करना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए लेंगे कार रेसर माइकल शूमैकर की मदद। आमिर खान से भी आगे निकल गए हैं शाहरुख खान, इस बार अपनी फिल्म्स को लेकर नहीं बल्कि अपनी फिल्म रावण के प्रमोशन को लेकर। जी हाँ, हमेशा से ही आमिर अपनी फिल्म्स के प्रमोशन काफी ऑर्गेनाइज एंड वेल प्लान रखते हैं, पर इस बार शाहरुख के प्रमोशंस ने दे दी है आमिर को टक्कर।
अपनी फिल्म रावण के प्रमोशंस के लिए शाहरुख इज ट्राइंग टू गेट माइकल शूमाकर टू रेस इन द अपकमिंग फॉर्मूला 1 रेस विद द टाइटल रावण एम्बॉस्ड ऑन हिज कार। सही सुन रहे हैं आप, यानी कि इस फिल्म को शाहरुख इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनली भी काफी प्रमोट कर रहे हैं। तभी तो इस फिल्म के सॉन्ग छम्मक छल्लो को उन्होंने एक फेमस हॉलीवुड सिंगर एकॉन से गवाया है। और अब ये न्यूज, खबरों की माने तो द एक्टर इज प्लानिंग टू टाई अप विद द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टू प्रमोट रावण इन अक्टूबर और इसकी प्रिपरेशंस अभी से ही शुरू हो गई हैं। क्या एसआरके इस बार पूरे जोश में हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने के लिए? और शायद इसीलिए ये है एक बेस्ट पॉसिबल प्रमोशन। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, इस प्रमोशन के आइडिया का क्रेडिट पूरा शाहरुख को जाता है। लगता है सलमान के बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस देखकर शाहरुख काफी डर गए हैं और इसीलिए अपने प्रमोशंस में अब वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तभी तो जी जान से मेहनत कर रहे हैं फॉर दिस फिल्म। नॉट बैड शाहरुख, अब हमें तो इंतजार है इस फिल्म के रिलीज का और अब तो यही देखना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखाती है। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of P-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.